महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस ने इंदौर में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान महिला कांग्रेस ने एमडी रोड चौराहे पर कैंडल जलाकर अत्याचार की शिकार हुई मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही प्रताड़ना और अपराधों को लेकर इंदौर शहर के मधुमिलन चौराहे से रीगल तिराहे तक महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे कैंडल जलाकर अत्याचार का शिकार हुई मृत नारी शक्ति को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि इंदौर शहर में बीते दिनों एमवाई अस्पताल में एक युवती के साथ अस्पताल कर्मचारी द्वारा दुष्कर्म करने के बाद उसे धमकाया गया था। कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी ने बीजेपी की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि यह सरकार प्रदेश में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म जैसे मामलों को लेकर गंभीर नहीं है। कैंडल मार्च के दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि यादव, रीता डांगरे सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। आप देख सकते हैं, आप खुद एक महिला हैं और हम सब महिलाएं, और हमें पता है कि हमारी आबरू की क्या कीमत होती है। ये आबरू की कीमत, जब उनकी बच्चियां जब घर से बाहर निकलती है तो उनको डर लगता है कि कहीं कोई उनको पकड़ के कुछ ऐसा निकल ले, गलत निकल ले, जिससे हमारे समाज में उन बच्चियों, क्योंकि बलात्कार जो ऐसे जो बलात्कार शब्द ही एक महिला के लिए बहुत बड़ा कलंक हो जाता है, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान देश है, तो उसके तहत हर एक बच्चे, हर एक माँ, हर एक महिला ये डरी हुई होती कि हमारे साथ कुछ भी गलत घटनाएं नहीं हो जाए। उसके तहत आज मैंने उनकी आवाज़ उठाई है और वो आवाज़ के साथ में वो मेरे साथ आई है और मेरे आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपनी महिलाओं की, अपने घर को रक्षा के लिए वो सब मेरे साथ में आई है। तो मैं शिवराज जी और मोदी सरकार से मैं विनती करती हूँ कि मोदी जी, शिवराज जी, ये जो प्रदेश में आज दो दिन पहले हमारा स्टैटिक्स आया है कि मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर वन पे है, तो आपसे निवेदन है कि 20 साल में आप यहाँ राज कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो ये ऐसा कैसे हुआ कि हमारी मातृशक्तियाँ इतनी परेशान हैरान हैं, इतनी उनके साथ दरिंदगी हो रही है, वो डर के बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।